थोड़ा और गिजू चपरा दे जरा। कौन है? हम आगे थे। हम आगे रे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ जामनिखाल, और वो उसकी भी एक वजह है जाने की, तो आपको बाद में पता चलेगा कि मैं क्यों गई थी और क्यों जा रही हूँ मैं। तो चलो, अभी तो हम जा रहे हैं। आप सीट भी हमारे साथ जा रही, ये देखो सीटू। तो चलो चलते हैं। फिलहाल तो आप मौसम का आनंद लीजिए पहले। तो गाइस, मैं रोडधार में पहुंच गई, तो गाड़ी कुछ नहीं मिल रही मुझे, तो मैं पैदल ही अपनी यात्रा कर रही हूँ जामनिखाल तक। तो देखते हैं, अगर रास्ते में गाड़ी मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो पैदल ही जाना पड़ेगा मुझे जामनिखाल। वैसे भी ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा दो तीन किलोमीटर तो हो गई, इतना ही है। चलो फिर चलते हैं। और अगर रोडधार के मौसम की बात की जाए तो पूरी चारों तरफ से कोहरा लगा है यहाँ पे। यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा, ना गाड़ी दिख रही, ना मन की दिख रहा, ना कुछ नहीं दिख रहा, बस कोहरे के अलावा। ये देखो चारों तरफ कोहरा फैल रखा है। मैं रोडधार से थोड़ा आगे आ गई, तो चलो चलते हैं। तो गाइस, मैं पहुंच गई हूँ रोडधार के धारे में। एक धारा तो पीछे छूट गया क्योंकि वहाँ पे लोग पानी भरे थे, तो मुझे ये मिला यहाँ पे। और यहाँ ना पानी बहुत ठंडा आता है। ये देखो, एक उधर पीछे था धारा, पर वहाँ पे लोग थे तो मैं नहीं गई। तो यहाँ पे धारा है, देखो पानी कितना आता है इस पर। ओहो, काफ़ी तेज आ रहा पानी। चलो पैर धुल लेते हैं। तो चलो, ज़्यादा पानी वेस्ट ना करते हुए हम नल को करते हैं बंद। तो चलो अब चलते हैं। और रोड देख सकते हो आप, यहाँ पे पूरा पानी पानी भर रखा है। रोड पूरी उबड़ खबड़ हो रखी है यहाँ पे। रोड बहुत बेकार है, बहुत ही ज़्यादा। ये देखो, रोड ऐसे टूट फूट रखी है यहाँ पे। तो चलो चलते हैं फिर। तो गाइस, मुझे लग रहा है बारिश आने वाली है, और आज मैं भीग के जाने वाली हूँ। तो क्या करें, अब मैं छाता भी नहीं लेके आई आज तो। तो चलो देखते हैं कहाँ पे आती है हमें बारिश, कहाँ पे आती है हमारे लिए बारिश। तो चलो चलते हैं। वैसे भी अकेले अगर कोई और होता मेरे साथ तो रास्ते का पता नहीं चलता, पर मैं अकेली ऐसे 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 जा रही, तो तब तो रास्ता और दूर लग रहा, और दूर लग रहा, और दूर लग रहा। क्या करें भाई साहब। तो चलो, रोड देख सकते हो, इधर से वाली रोड पक्की हो रखी है, और ये देखो रोड भी यहाँ कलर बदल रही भाई साहब। जैसे मौसम रंग बदला, रोड भी कलर बदल रही यहाँ पे। तो चलो चलते हैं। कोहरा भी और लग रहा जा रहा, और लगता जा रहा है, साफ ही नहीं हो रहा कोहरा। तो चलो चलते हैं यार। और मैं आपको काफल का पेड़ बताती हूँ। ये देखो, ये है काफल का पेड़, पर इसमें लगे नहीं है इस बार। मतलब लगे क्या, लगना क्या है, ख़त्म हो गए काफल तो। पिछली बार जब चंद्रवनी गए थे, मैंने देखे थे, इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी थी, तो मैं लेके आ जाती काफल। अब तक आप लोग भी देख लेते काफल कैसे होते हैं। तो चलो यार, हाथ भी दर्द हो रहा है मेरे, फ़ोन पकड़ पकड़ के चलते हैं। तो गाइस, जन्नत देखनी है, देखनी है आपने जन्नत? लो फिर देखो। गाइस, फाइनली हमें जामनिखाल दिख गया। ये देखो वहाँ पे, इधर उधर जाना मैंने, और अभी यहाँ से बहुत जाने के लिए है। तो अभी क्योंकि कोहरा भी लगा है तो धुंधला धुंधला दिख रहा है, ये देखो। तो चलो, मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। चलो फिर गाइस, लेट्स गो। तो गाइस, ये हमारा छोटा सा प्यारा सा जामनिखाल मार्केट, जो कि ऐसे दिखता है कुछ। और अभी पहाड़ों के नीचे बादल भी आ रखे, बहुत ही सुंदर लग रहे, बहुत ही ज़्यादा। और मैं कैसी लग रही, मैं भी लग रही सुंदर। तो गाइज, यहाँ से दो रोड कटती है, एक जामनिखाल से होकर जाती है देवप्रयाग ऋषिकेश जाती है,
और एक श्रीनगर जाती है यहाँ से ऊपर को जाती है रोड और चंद्रवनी जाती है। तो आगे से एक रोड दूसरी है वहाँ से कटी हुई, तो वहाँ से वो श्रीनगर जाती है। ये बोर्ड आप देख सकते हो। तो चलो, हमने तो जामनी खाल जाना, तो हमने राइट वाली रोड को जाना है और लेफ्ट वाली जीएमसी को जाती है और श्रीनगर को जाती है। तो चलो, तो गाइस मैंने अपने लिए टकाटक भी ले लिया क्योंकि मैं नाश्ता करके नहीं आई थी। तो चलो पहले टकाटक खाते हैं, तो चलते हैं। तो गाइस मैं पहुंच गई जामनी खाल। तो अभी मैं मार्केट में वीडियो नहीं बना सकते, आप लोग समझ सकते हो ना, है ना गाइस? तो समझ जाओ यार, लोग फिर ऐसे बोलते कि ये लड़की ऐसे वैसी है, फिर मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरे बारे में कोई ऐसा बोले और मैं उसको जवाब दूँ पलट के। तो चलो यहीं पे अपनी वीडियो एंड करूँगी और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है? फिलहाल तो आप यहीं से। तो गाइस मैं जामनी खाल इसलिए गई थी क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, कुछ गड़बड़ी हो गई थी फ़ोन में, तब गई थी। और यही के जाते टाइम मैं नानी से मिल के जाती हूँ, मैंने सोचा। तो मैं नानी के घर चल गई यहाँ से। तो यहाँ पे मेरी नानी ने छेमी, मतलब मामी भाभी और उन्होंने छेमी लगा रखी थी, तो मुझे नानी दिखी छत के ऊपर। नानी छत के ऊपर थी और मुझे दो सिंगों वाला बैल भी दिख गया, एक प्यारी सी बच्चा जो कि बहुत क्यूट था। तो मैं चल दी अपने नानी को मिलने के लिए छत के ऊपर। तो मैंने चादरों के ऊपर से जाना था, पहले मैंने चेक करवाया अंकल से कि अंकल चादर नीचे तो नहीं गिरेंगी। तो फिर मैं चढ़ गई थी चादर के ऊपर। चादर के ऊपर चलते ही फिर मैं नानी के पास चल गई थी। एक मेरी नानी छत के ऊपर बैठी थी, मैं पहले नानी जी को नमस्ते करा, फिर दूसरी नानी बैठी थी बगल में उनको भी नमस्ते, और जो अंकल जी भी थे उनको भी नमस्ते कर दिया। फिर हम चल दिए और यहाँ पे एक ये छकना बांध आ गई। और ये जब जवान लड़ा रही थी भाई साहब मेरे फ़ोन में, क्योंकि मतलब आवाज़ ही नहीं आ रही थी क्योंकि उसके ना स्पीकर पे टेप लगा था, तो उतनी तेज़ की आवाज़ नहीं आ रखी। तो जितनी हो सकी मेरे से उतना सुन लेना एक बार प्लीज़। नानी को पितर भी नहीं है तू? हाँ, मेरे नानी, मेरे नानी, मेरे नानी, मेरे नानी, मेरे दादी का कहना है, पहले तो मेरे नानी वहाँ। दोनों बहनें चवरांग चवरांग देखो, ये है वंशिका, ये है प्रियांशी, उसका नाम क्या है? अन्नी है उसका नाम। ये मेरी नानी, तू भी चवरांग है? हाँ चवरांग है, बहुत दर्द है वो। थोड़ा और गिजू चपरा दे जरा। कौन है? कौन है? कौन कौन है? कौन है? फोन पे क्या कर रहे हो? बुआ को नमस्ते नहीं किया तूने? किसको? मेरे को? नहीं। क्यों नहीं? क्यों नहीं किया? कब आए तुम बताओ? हम अगेरे आ गए थे, हम अगेरे आ गए थे। क्यों आए? मेरे नानी का घर में आओ ना। नहीं। ये दोनों बहनें मेरे को भगाने पे लगी है भाई। आऊंगी मैं, मेरी नानी का घर है। नहीं है। है? नहीं है। नानी है? नहीं है। नहीं है। बारी चवरांग है तू? बारिया। चॉकलेट खिलाई तानी खिलाए नहीं पहचान मैं है। तू काल के क्या भैया बता जरा, ये देखिए काली भी यार। तो छोटे में आपके गोरे थे, आप काली भी। हाँ काली। मैं नानी तरह से गोरे लगने क्या? काली भी यार। काली। ये। काली।
कि काली भी है न इरादा आज मैं कालो अतर मम्मी तेरी मम्मी क्रीम नहीं लगा दी वो देख अतर गोरे आनी ये दे ये तेरा यहां गोरे भी दो गोरा आज मुका काल है किले भी तेरी काई ते शिकर गाड़ी मांग ये दे मेरे हाथ देख तक गोरन दे एक दिया दो तेरी मेहंदी लगाए मेहंदी लगाए तेरे ने लगा मेहंदी पहले मत तो इधर काय तेरी मम्मी तो पर क्रीम नहीं लगे मैंने खुद लगा ली किलाई अभी अच्छा क्या बोली अच्छा बेटू अच्छा बेटू ये था चवरांगे का तुम दिए बहन पर मैं कहन बताओ हैं गाइस हमारा खाना बन गया ये तो और मैंने बनाए बनाने और ये प्याज तो कल मैं नहीं खाऊं वही नहीं खाऊंगा तो गाइस मैं चाह रही अब चल ठीक है फिर नानी ठीक है चल ठीक है फिर चल तो कब आओगे ऑल में फिर कभी चल बाय ऑल ही चल मैं कबरी ऑल हूँ कबरी मेरी माँ का मिलती है जाता मेरे ठीक है जो ऑल तक माँ का मिलती अरे कबरी तो गाइस मुझे लगता है मेरी बस निकल गई है तो फिर से मुझे पैदल जाना पड़ेगा वहाँ चलते फिर देखते हैं अगर बस मिल गई रास्ते में अगर नहीं गई होगी तो रास्ते में बैठ जाऊंगी अगर चल गई होगी तो मुझे पैदल जाना पड़ेगा फिर उतनी दूर चलो अभी बादल भी आ रखे तो अभी ज़्यादा धूप नहीं है तो चलते हम तो गाइस अब मैं जा रही पौड़ी खाल से घर ये देख सकते हो आप पौड़ी खाल और धूप भी बहुत हो रही है 3 बज गए हम 3:30 तो बज गए होंगे तो चलो फिर मैं भी चलती हूँ घर को तो मिलते हैं आपको घर में ठीक है बाय तो गाइस फाइनली इस तपती झुलसती गर्मी में मैं अपने गांव पहुँच गई देखो मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है इतनी धूप लग रही है ना देखो धूप बहुत ज़्यादा तो चलो धूप भूख नहीं लगी मैं धूप लगी धूप गम गाम गाम देखो कुदरत का कहर देखो धूप देखो कितनी तेज आ रखी है बारिश देखो बारिश भी हो रही भाई साहब स्याला का ब्यो रहा स्याला का ब्यो आ जाओ बारात में देखो बारिश कितनी तेज की हो रही और धूप देखो धूप भी उतनी तेज की जितनी तेज बारिश हो रही आ जाओ स्याल के बारात में पौड़ी बन के जाएंगे बाय तो गाइस मैं खेत से घर आई और रात के 7 बज रहे वैसे शाम के और अभी वहाँ ऊपर जब हम वहाँ से घर आ रहे थे तो अंधेरा हो गया था तो अभी देख सकते हो आप कितना उजाला हो रखा ये अभी अभी हुआ है उजाला ऐसा लग रहा कि धूप है अभी ये देखो पूरा उजाला लग रहा है।